जीवन में जब भी बुरा वक्त आने वाला होता है उसके पहले कुछ संकेत हमें मिलने लगते हैं, और अगर हम उसी समय संभल जाएं, कुछ उपाय कर लें, तो शायद बुरा वक्त हमारे ऊपर ना आए। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे किन संकेतों से हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर बुरा वक्त आने वाला है, और अगर संभलना है तो इस वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं, जरूर एक बार कर लें। जीवन भर सुखी रहेंगे, सफल रहेंगे और बहुत बड़ी व्याधियों से भी बचे रहेंगे। साथियों, निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको छोटे छोटे उपाय जो परंपरागत तरीके से प्राप्त हुए हैं बताते रहते हैं। हैं जरूर बड़े सरल आसान छोटे से उपाय, लेकिन ये बड़े से बड़ा आपका काम कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रहे, जब भी आपके ऊपर बुरा वक्त आने वाला होगा तो ध्यान रहे, घर में रखी हुई नमकीन जो वस्तुएं हैं खाने की, उनमें चींटियां लगना शुरू हो जाती हैं। दूसरा संकेत जो है, चप्पल और जूते जो भी आप पहनते हैं वो जल्दी घिसना शुरू हो जाते हैं या बार बार टूटना शुरू हो जाते हैं। समझ लो आपके ऊपर बुरा समय आने वाला है, आया नहीं अभी, आने वाला, ये संकेत होते हैं। इसी प्रकार से आपके अंडरगारमेंट्स में या कपड़ों में छेद हो जाना, सुराख हो जाना, यह भी बुरा वक्त आने का संकेत है। वहीं चलती हुई घड़ी आपकी अपने आप बंद हो जाना, और घर में जब भी दूध पकाते हैं तो दूध का उफन जाना, उबल जाना और जमीन पर गिरना या चूल्हे पर गिरना, यह बुरे समय आने के संकेत हैं। और इसका उपाय क्या है ताकि जो दोष बन रहा है वो दोष से छुटकारा प्राप्त हो सके? बहुत आसान है। अगर ऐसा संकेत आपको मिलना शुरू हो जाए तो ध्यान रहे, दो चार चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में नोट कर लें। एक हाथ से कभी भी खाने की थाली को मत पकड़ें, एक हाथ से, ना किसी को परोसे एक हाथ से ऐसे करके और दे तो बिल्कुल नहीं। थाली हमेशा दोनों हाथों से लें और दोनों हाथों से दें। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करें, बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, और भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ बिल्कुल मत धोएं। ध्यान रहे, और शनिवार, रविवार, मंगलवार, ये जो तीन वार हैं इनमें कपूर के साथ आठ लौंग जलाकर जरूर जलाएं, कपूर में आठ लौंग फूलदार डालकर जरूर जलाएं। बुरा समय टल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में, हकीकत में, वास्तव में बुरा समय आने के चार दिन पहले आपको ये संकेत या दस दिन पहले मिलना शुरू हो जाते हैं, और इसी समय उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अगर आप हटा दें, ये सावधानियां रख के और ये उपाय करके, तो सब ठीक, और नहीं तो जिनको जो नुकसान करना है वो बड़े से बड़ा नुकसान करके निकल जाएगा ग्रह पीड़ा, और फिर आप परेशान कई महीनों के लिए हो जाएंगे या कई हफ्तों के लिए हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही आपको ऐसे संकेत मिले तो अपनी वास्तु को ठीक कर लें,
और अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी दोष बन रहे हैं, समाप्त होते हैं। कपूर में लौंग डालकर अपनी वास्तु में यानी घर में जलाने से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।